दोस्तों आप जो है कभी भी यूट्यूबर नहीं बन सकते हो और आप लोगों का चैनल भी जो है कभी भी ग्रो नहीं होगा अगर आप लोग भी ये ढेर सारी गलतियां करते हो तो क्या गलतियां आप लोगों को नहीं करती। देखो यूट्यूब के ऊपर क्या चीजें हमको करनी चाहिए वो तो आपको ढेर सारी मिल जाएगी, सैकड़ों लाखों करोड़ों यहाँ पर मिल जाएगी, लेकिन कोई भी क्रिएटर इन चीजों के ऊपर बात नहीं करता है। और मुझे ये चीज देख कर काफी ज्यादा तकलीफ भी होती है कि कोई भी क्रिएटर इन रियल चीजों को नहीं बताता है, जैसे कि मनोज दे हो, टेक्निकल योगी हो, स्प्रेडिंग ज्ञान हो, बड़े बड़े जितने भी चैनल है, ये कभी भी इन चीजों के ऊपर नहीं बताते कि हम सभी जनों को क्या नहीं करना चाहिए। सभी जने यही बताते हैं कि भाई साहब हमारे को क्या करना चाहिए, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाना चाहिए, वॉच टाइम कैसे बढ़ाना चाहिए, चैनल कैसे ग्रो करना चाहिए, इर्निंग कैसे करनी चाहिए, ये सारी चीजें तो ये लोग हमारे को घिस घिस करके यहाँ पर बता देंगे, लेकिन कभी भी एक भी क्रिएटर ये चीज नहीं बताएगा कि भाई साहब हम सभी जनों को क्या चीजें नहीं करनी चाहिए और किन चीजों से हमारा चैनल जल्दी यहाँ पर ग्रो होगा, वो चीजें आप लोगों को कभी भी ये नहीं बताएंगे। तो चलो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी जनों को कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो कि हमारे YouTube के अंदर सही रहने वाली है और उन चीजों को अगर आप लोग बिल्कुल नहीं करते हो तो भाई साहब आप लोगों का जो YouTube चैनल है वो जल्दी से जल्दी ग्रो हो जाएगा और आप लोग एक अच्छे यूट्यूबर बन पाओगे। और इन चीजों को फॉलो नहीं करोगे तो भाई साहब आप लोग बिल्कुल यूट्यूबर बनना तो दूर की बात है, आपके चैनल के ऊपर बिल्कुल कम व्यूज रहेंगे, ग्रो तक आप लोग नहीं कर पाओगे। जो एक दो व्यूज आपको पहले मिल रहे थे वो एक दो व्यूज आप लोगों को अभी भी यहाँ पर मिलेंगे। तो सबसे पहले आप सभी जनों को करना क्या है, देखो आप सभी जनों को हमेशा से जो आपका टाइटल होता है, एक टाइटल का वर्ड आपको हिंदी में लिखना है तो दूसरा इंग्लिश के अंदर लिखना है, नंबर वन चीज आप लोगों को ये करनी ही करनी है। नंबर दो पॉइंट यहाँ पर रहने वाला हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, कोशिश करो उसके अंदर कुछ अच्छी चीजें ऐड करने की। अच्छी चीजों से मतलब है कि वीडियो का टाइटल लिख दिया, उसके बाद में कुछ आप लोगों ने YouTube के टैग्स वगैरह वो चीजें लिख दिए और कुछ आप लोगों ने हैशटैग्स यहाँ पर लिख दिए। इस तरीके से आप सिस्टमेटिक तरीके से काम करके चलो और वीडियो के अंदर क्या क्या चीजें यूज कर रहे हो, क्या कैमरा यूज कर रहे हो, क्या ट्राइपॉड यूज कर रहे हो, क्या रिंग लाइट आप लोग यूज कर रहे हो, वो सारी चीजें आप लोग वहां पर डालो तो उससे थोड़ा लगेगा प्रोफेशनल काम है। अब आप लोगों को अपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर थोड़े से टेक्स्ट वगैरह डाल देने हैं, ये काम करना है। अब आपको एक काम और करना है जो कि करना है, नंबर दो, आप लोगों को जब तक आपका यूट्यूब चैनल नया है तब तक आप सभी जनों को क्या करना है, सर्चेबल टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनानी है। ऐसा नहीं कि यार इस बड़े क्रिएटर ने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनी, इसी का टाइटल कॉपी करके मैं वीडियो बना देता हूं, आपको बिल्कुल व्यूज नहीं मिलेंगे। बड़े क्रिएटर के पास में बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, बहुत सारे लोग उसको जानते हैं तो वीडियो को क्लिक करके कुछ समय के लिए देख भी लेंगे, लेकिन आपको कोई भी जानता नहीं है तो आपकी वीडियो के ऊपर कोई भी क्लिक नहीं करने वाला और सर्च के अंदर से तो व्यूज नहीं मिलने वाले हैं। तो इससे बेटर ये रहेगा कि हम पहले ही डे वन से ही हम लोग सर्चेबल टॉपिक के ऊपर ही काम करें, उन्हीं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बनाएं ताकि हमारी वीडियो सर्च के अंदर जाए और कुछ ऑडियंस हमारे चैनल के ऊपर यहाँ पर आना शुरू हो जाए। और अब मैं आप लोगों को नंबर तीन जो पॉइंट बताने वाला, हमेशा प्रॉब्लम्स के ऊपर वीडियो बनाओ। देखो सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाते हैं ये चीज आप लोग सर्च करोगे तो सैकड़ों करोड़ों अरबों खरबों वीडियो आप लोगों को सर्च के अंदर मिल जाएगी। ये काफी सारे लोग अपने चैनल के ऊपर बनाते हैं लेकिन सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, इस चीज के ऊपर किसी ने वीडियो बना रही है, बिल्कुल नहीं बना रखी है, तो आप लोग इन चीजों को बताओ, प्रॉब्लम वाली वीडियो बताओ तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा इन चीजों की जरूरत रहती है कि वॉच टाइम क्यों नहीं बढ़ रहा है, सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहा है, चैनल ग्रो क्यों नहीं हो रहा है, मैं क्या गलती कर रहा हूँ, ये चीजें बताओगे तो मुझे लगता है पर्सनली कि ज्यादा ऑडियंस आप लोगों की तरफ अट्रैक्टिव होगी और ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे जुड़ेंगे और आपका चैनल मुझे लगता है जल्दी से जल्दी ग्रो होगा। और आपको नहीं बताओ तो आप लोग मेरे ही चैनल के ऊपर जाकर के दे दो, मैंने कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर वीडियो बना रखी, जैसे कि डिलीट यूट्यूब चैनल जो है हो जाता है उसको रिकवर कैसे करें, भाई सब 1.5 लाख व्यूज मेरे को यहाँ पर मिल गए सिर्फ 6,000 सब्सक्राइबर के ऊपर, तो देख लो डिफरेंस कुछ इस तरीके से। प्रॉब्लम के ऊपर हम वीडियो बनाते हैं तो लोग उसको देखते ही देखते हैं, कोई बड़ा क्रिएटर होगा तो उसको भी छोटे क्रिएटर की वीडियो देखनी पड़ेगी और उसको देखनी पड़ेगी क्योंकि वहां पर लोगों की मुसीबत होती है, वो किसी न किसी प्रॉब्लम के अंदर फंसे हुए रहते हैं तो वो आपकी वीडियो को देखेंगे ही देखेंगे डेफिनेटली। तो इन चीजों के ऊपर आप लोगों को काम करना है। अब मैं आप लोगों को चीज बताने वाला हूँ लास्ट एंड फाइनल जो कि रहने वाली बोनस टिप्स रामबाण इलाज। एक वीड आईक्यू करके एक ऐप है जो आपको प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर दोनों पर मिल जाएगा, VIDIQ, तो ये जो है आप उसको जो है डाउनलोड कर लो। ये आपको क्या करेगा, डेली के आइडियाज देगा कि किन टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो बनानी चाहिए आपके चैनल के अकॉर्डिंग, उन टॉपिक्स को आंख बंद करके आप लोग वीडियो बनाते रहो, आपका चैनल डेफिनेटली यहाँ पर ग्रो कर जाएगा। अभी जो आपके चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर है, जो वॉच टाइम है और जो व्यूज आपको मिल रहे हैं उससे तो 4 गुना ही ज्यादा आप लोगों को व्यूज सब्सक्राइबर ये सारी की सारी चीजें मिलेगी। ऐसा बिल्कुल यहाँ पर नहीं होगा कि भाई आप लोगों को पहले से कम मिल रहे हैं, ये चीज तो मैं आप लोगों को लिख के यहाँ पर दे सकता हूँ 110% गारंटी। अगर इस चीज के ऊपर आप लोग काम नहीं करोगे
तो आप लोगों का सब्सक्राइबर वगैरह आपका चैनल ग्रो नहीं होगा, तो आप इसके ऊपर काम करो। अगर फिर भी आपके चैनल के ऊपर ग्रो नहीं हुए तो बस आप फिर से इस वीडियो के ऊपर आना, आपकी इच्छा हो जो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख करके जाना, चाहे कोई भी बैड वर्ड लिख दो, गाली भी लिख दो, मैं खाने के लिए तैयार, लेकिन आप लोगों को मैं गारंटी दे रहा हूँ कि भाई ऐसा बिल्कुल यहाँ पर नहीं होगा, आपका चैनल ग्रो होगा ही होगा। तो ये सारी चीजों के ऊपर आप लोगों को काम करना है, अगर काम करोगे तो डेफिनेटली ग्रो होगा, नहीं करोगे तो आप लोगों का यूट्यूब जो करियर है पूरा पूरा बर्बाद है, ना आपका चैनल कभी चलने वाला है, ना ही कभी आप लोग जो है आगे बढ़ने वाले हो। तो आशा करता हूँ सारी चीजें मैंने आपको बताई है नए क्रिएटर के थ्रू आप लोगों को काफी ज्यादा यहाँ पर हेल्पफुल करने वाली है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई है, वीडियो को आप लोगों ने लाइक भी कर दिया होगा और चैनल को भी यहाँ पर सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।